चेंडूला शेवटच्या मोमेंट्सला फक्त हलक्या हाताने खेळला होता बॉलर बॅक ड्राईव्ह. कुठल्याही प्रकारची धाव नाही, निर्धाव चेंडू जाते. चांगली गोलंदाजी ज्ञानदेव पाटील पाहतो आपण. पाच चेंडू टाकले, तीन धावा आतापर्यंत खर्च केलेल्या आहेत विश्वने त्याने. चांगली गोलंदाजी. फलंदाजाला कुठल्या प्रकारे मुभा दिलेली नाही मोठा फटका खेळण्यासाठी. शॉर्ट रन अप. चेंडूला बॅकफुटवर जाऊन अप्रतिम फटका बघायला मिळतोय. अप्पर कटचा फटका. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे. दोन धाव पूर्ण करते त्यावर फलंदाज. बघूया दोन धावसंख्येनिशी धावसंख्या वाढते धावपलकर. पाच. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलेला. धावपलकर धाव आहेत बिनबाद पाच. एक संत सुरुवात मुरबाड इलेव्हन संघाची. याउलट पालघर डहाणू संघाने चांगली सुरुवात केली आहे पहिल्या षटकामध्ये. सुभाष वैयक्तिक खेळतोय. दोन धावांवर, तीन धावांवर खेळतोय आणि एक या धावसंख्येवर खेळतोय संदीप. यानंतर मकुन सर सपाले संघाच्या कर्णधाराने संपर्क साधायचे. त्याचबरोबर भिवंडी इलेव्हन संघाच्या कर्णधाराने देखील संपर्क साधायचे. नितीन दुसरं षटक सामना करेल फलंदाज सलामीवीर. खेळपट्टीवर आहेत अजून संदीप आणि सुभाषी जोडी. अक्रॉस दी लाईन वरून खेळण्याचा प्रयत्न. अतिशय उत्कृष्ट चेंडू. साफ चुकतोय फलंदाज. बाकीचं काम यष्टी रक्षक चौक बजावतोय. चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते. सुरुवातीला विश्वनाथ आणि त्यानंतर मात्र दुसरा गोलंदाज अप्रतिम गोलंदाजी करताना पाहतोय. नितीन ड्राईव्ह केलेल्या चेंडूला. मिड ऑफला चेंडू होते. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक झेपावते. चांगले क्षेत्ररक्षण. फक्त एकच धाव मिळेल फलंदाजाला. धावसंख्या आलूच पुढे सरकताना स्कोरबोर्डवर. सहा धावा.
सुभाष आता मात्र स्ट्राइक वर येतोय. शॉर्ट रन अप नितीन. कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही. अतिशय चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते नितीन द्वारा. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या धावपळकर कायम आहे ते सहा. आतापर्यंत नितीनने तीन चेंडू टाकले आहेत, दोन धावा खर्च केलेल्या आहेत आणि कुठल्या प्रकारची मुभा दिलेली नाही, स्वातंत्र्य दिलेलं नाही मोठा फटका खेळण्यासाठी. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट कट केलेलं आहे बॅकफुटर जाऊन. पहिली धाव पूर्ण केलेली आहे. क्षेत्ररक्षक दक्ष आहे, चांगली क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते शॉर्ट कव्हरला. एक धावसंख्या निश्चित. धावसंख्या आलोच पुढे सरकताना धावपळकर सात. एक संत सुरुवात आहे मुरबाड इलेव्हन आहे संघाची. नितीन फिरकी गोलंदाज आहे, स्पिनर गोलंदाज, जेन्युइन स्पिन गोलंदाजी बघायला मिळते. लेग ब्रेक ऑफ ब्रेकचा मिश्रण. चेंडूला ऑफिस्ट्रोस ड्राईव्ह केलेला आहे. चेंडू जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषीकडे. चांगलं क्षेत्ररक्षण. फक्त एकच धाव मिळते ती संदीप याला. धावसंख्या आलोच पुढे सरकताना धावपळकर आठ. अचूक गोलंदाजी आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते पालघर डहाणू संघाकडून. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट नितीन. चार पाच पावलांचा रन अप. चेंडूला बॅकफुटर जाऊन हलक्या हाताने ड्राईव्ह केलेला आहे. फक्त एक धाव पूर्ण करते त्यावर सुभाष. धावसंख्या आलोच पुढे सरकताना धावपळकर नऊ. दोन षटकांचा खेळ संपलेला आहे. धावपळकर धावा आहेत नऊ. पहिल्या षटकामध्ये पाच धावा आणि दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त चार धावा. अतिशय चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते. बघूया उर्वरित शेवटची अनामारीची दोन षटक आहेत आणि या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा कुठून काढावे लागतील त्या मुरबाड इलेव्हन संघाला चांगलं लक्ष ठेवायचं असेल तर, फायटिंग स्कोर ठेवायचा असेल तर आता मात्र इथून फटकेबाजीला प्रारंभ करावा लागेल. नियाज तिसरे षटक सामना करेल सुभाष. ड्राईव्ह केलेल्या चेंडूला व्हीच्या आकारामध्ये चेंडू येते तो लॉंग ऑन सीमारेषेवर. चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मिड ऑनला. फक्त एकच धाव पूर्ण करते सुभाष. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये पदार्पण करते. बिनबाद दहा. नियाज चेंडू पडल्यानंतर ट्रंट बघायला मिळते आणि फलंदाज कॉट बँड बाद. खेळ संपुष्टात आले फलंदाजाची. पहिला फलंदाज बाद होते संदीप. वेस्टर्नच्या मागे अप्रतिम सुरुवातीला झेल सुटला होता पहिल्या प्रयत्नामध्ये. दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये झेल टिपला होता एसटी रक्षकाने. इलियास याने झेल टिपला होता. कॅप्टन आहे संघाचा. बघा या अगोदर एसटी रक्षक भारताचा कॅप्टन होता महेंद्रसिंग धोनी. चांगली कामगिरी केली होती भारतीय संघासाठी. मी सध्या पाहतोय भारताचा आक्रमक कर्णधार विराट कोहली याच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय संघ तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये कमालीचा प्रदर्शन बघायला मिळते. टेस्ट क्रिकेट, ओडीआय क्रिकेट, टी ट्वेंटी क्रिकेट. नियाज ब्लाइंड स्विंग करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही. अतिशय चांगली गोलंदाजी. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या कायम आहे धावपळकर दहा. मिलिन स्ट्राइकर आहे. नियाज पुन्हा एकदा ट्रंट बघायला मिळते. चांगली गोलंदाजी. चेंडू पडल्यानंतर कट होते. उजव्या एसटीच्या किंचितसा बाहेर वळला होता आणि फलंदाज बाद.
दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पर नफरत जाए, हो करके इशारे। एसटीची स्टंपिंग बाद होते, दुसरा फलंदाज स्वस्ता मध्ये बाद झालेला आहे आणि पाहतोय प्रेक्षकांना एक लो स्कोरिंगचा सामना बघायला मिळतोय की काय। कमलाकर येते मैदानाच्या आतमध्ये, नवीन फलंदाज, चांगली गोलंदाजी नियाज याने आतापर्यंत चार चेंडू टाकले आहेत, फक्त एक धाव खर्च केले आणि दोन गडी बाद केले आहेत। एकदा चेंडूला आडव्या बॅटने खेळलेले आहे, चेंडू येते ऑन साइडला, क्षेत्ररक्षक झेपवतोय काऊ कॉर्नर वरून, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे, दोन धाव त्यावर पूर्ण करते कमलाकर, धावसंख्या वाढते धावपलकर 12, दोन गड्यांच्या मोबदल्यात। बेस्ट बॉलर जो या स्पर्धेमध्ये ठरेल त्याच्यासाठी आकर्षक सायकल आहे आणि ती स्पॉन्सर केलेली आहे चिंतामण रामकृष्ण पाटील दापुडे यांच्याकडून, आणि बेस्ट बॅट्समन साठी नितीन पाटील दापुडे यांच्याकडून सायकल आहे। चेंडू हवेमध्ये आहे, मात्र एक संधी होती, चांगला प्रयत्न, धावसंख्या 14। पाहतो आपण उत्कृष्ट बॉलर साठी जे गोलंदाजीसाठी पारितोषिक आहे चिंतामण रामकृष्ण पाटील यांच्याकडून सायकल आहे, त्यानंतर बेस्ट बॅट्समन उत्कृष्ट फलंदाजीसाठी नितीन पाटील यांच्याकडून सायकल आहे, आणि मालिकावीरासाठी ज्ञानदेव गणपत पाटील यांच्याकडून एलईडी टीव्ही, त्याचबरोबर कैलासवशी शुभांगी पाटील हिच्या स्मरणार्थ कुमार तेजस मधुकर पाटील यांच्याकडून आकर्षक ट्रॉफी। आता मात्र शेवटचा अंतिम षटक आहे, दिनू मामा आपण संपर्क साधायचा, दिनू मामा भाऊ शेवटचं षटक शॉटॉम पुल केलेलं आहे सुभाष याने, चेंडू जातो डीप मिड विकेटला, पहिली धाव पूर्ण केली आहे, चांगले क्षेत्ररक्षण, गुड थ्रो, चांगला थ्रो देखील येते, धावसंख्या आलोच पुढे सरकताना धावपलकावर पाहतोय 15, शेवटचं षटक आहे, चौथं षटक आणि एक लो स्कोरिंगचा सामना प्रेक्षकांना बघायला मिळतोय की काय। चांगली गोलंदाजी आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते, पालघर डहाणू संघाकडून चेंडू जाते लॉंग लेग सीमारेषेवर, गुड कॅच, फलंदाज बाद। किरण याने अफलातून झेल टिपला होता आणि तिसरा फलंदाज बाद होते, धावपलकावर धावा कायम आहेत 16, चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते आणि प्रेक्षकांच्या दृष्टिकोनातून एक पाते कंटाळवाणा सामना, कारण लो स्कोरिंगचा सामना प्रेक्षक षटकार चौकारांची आत्तचबाजी करणे पसंत करत असतात। पुन्हा एकदा भाऊ बॉलिंग मार्कर, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही, निर्धाव चेंडूची समाप्ती, धावसंख्या धावपलकावर कायम आहे 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 16। लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, चेंडूला बॅकफुटवर जाऊन पंच केलेला आहे, चेंडू बंदुकीच्या गोलीच्या वेगाने सीमारेषेच्या बाहेर जातो चौकार। धावसंख्या वाढते धावपलकावर 20, पुन्हा एकदा भाऊ बॉलिंग मार्कर, शॉर्ट रन अप, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, सामना करेल फलंदाज सुभाष। चेंडूला स्विंग केला हवेमध्ये,
जबरदस्त एफर्ट क्षेत्रक्ष अपलातून क्षेत्रक्ष बघायला मिळते ॲथलेटिक एफर्ट्स निश्चितच आपल्या संघासाठी या क्षेत्रक्षकाने चार धाव वाचवल्यात जेलिस हा देखील एक मोठा खेळाडू आहे पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न आणि फलंदाज बाद अशा प्रकारे चार षटकांचा खेळ देखील संपलेला आहे धावपळकर धावा आहेत 22-23 धावांचं मापक लक्ष्य सामना जिंकण्यासाठी पालघर डहाणू या संघाला सपाले संघाचा कर्णधार मकुन सर सपाले संघाचा कर्णधार आणि भिवंडी इलेव्हन संघाचा कर्णधार आपण नाणेफेक करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये येत आहे मकुन सर सफाळे आणि भिवंडी इलेव्हन भिवंडी संघाचा कर्णधार आपण ताबडतोब संपर्क साधायचा आहे लक्ष 22 धावा पूर्ण केल्या होत्या आणि 23 धावांचं लक्ष ठेवलं सामना जिंकण्यासाठी तर बघूया या 23 धावा पूर्ण होत आहेत की नाही याचं धावतो वर्णन करण्यासाठी मायक्रोफोन सज्ज होणार आहेत मुंबऱ्याचा बुलंद आवाज शहजाद भाई शेख थँक्यू सो मच जयवंत पाटील सर चलिए फील्डिंग यूनिट टीम प्लीज फील्डिंग सेट कर ले टारगेट काफी छोटा है लेकिन छोटे आंकड़े ने कुछ ना कुछ कारनामा जरूर किया है अब देखना यह है कि ये छोटा आंकड़ा किस तरीके से दर्शाता है सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में इस वक्त प्रवेश करती हुई वाकबिल प्लीज दो प्लेयर ग्राउंड के अंदर प्लीज चले जाए दो प्लेयर शॉर्ट है उनके अगर एडजस्ट होगा तो दो प्लेयर एडजस्ट कर ले गोपी गोपी इलेवन कैप्टन अगर आपके दो प्लेयर कोई हो तो प्लीज ग्राउंड में भेज दें दो प्लेयर सेप्टीट्यूट के रूप में
आसपास सगळे आहे ते पुली टीम ना म्हणला आपल्याला आवड नाही पाहिजे ना आता ये एकापासून पोहोचलं ना दानवाने दिले ना पैसे ऐका ना कशाला नसते मला तर पैसे भरला ना त्या सपालेवाल्याने कोण आहेत नंतर भिवंडी भिवंडी मकुन सर सफाळे सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी इस वक्त विकेटों के बीच में प्रवेश करती हुई जलीस और इलियास इलियास और जलीस की जोड़ी विकेटों के बीच में प्रवेश करती हुई चलिए बॉलर का नाम थोड़ा प्लीज हम तक ये पहुंचा दें बॉलर ने प्लीज प्रसाद वसंत प्रशांत पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर पहली गेंद पर आक्रामक रूप धारण किया गेंद जाती हुई इस वक्त लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ चार रन इस चार रन के साथ अकाउंट को ओपन किया है खाते को जरूर खोला है बल्लेबाज ने इस बार आउट ऑफ द ऑफ स्टंप बहुत ही बढ़िया टप्पा रहा गेंद रही डॉट के रूप में डॉट डिलीवरी के साथ यहां पर अच्छा कमबैक करने की कोशिश गेंदबाज की जरूर नजर आती हुई बल्लेबाजी की कमान पर है इलियास इसी बीच अगली गेंद रिवर्स स्ट्रोक करना चाह रहे थे गेंद रेंज में नहीं आई गेंद रही डॉट के रूप में इस डॉट डिलीवरी के साथ साथ अच्छा कमबैक जरूर देखने मिलता हुआ गेंदबाज का सूझबूझ भरी गेंदबाजी अच्छी लाइन और लेंथ की गेंदबाजी इस वक्त जरूर देखने मिलती हुई एक चार लगने के बाद अच्छा कमबैक यहां पर गेंदबाज के माध्यम से जरूर देखने मिलता हुआ इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत हाना के इशारे तालमेल थोड़ा लड़खड़ाया थ्रो डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी लेकिन लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ अतिरिक्त रनों में एक रन इस वक्त शुमार जरूर होगा अकाउंट जरूर ओपन किया है मकुनकर सफाले वर्सेज मकुन सर सफाले वर्सेज भिवंडी 40 प्लस कैप्टन आना है आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पंच करने की चाहत जाता है गेंद जाती हुई डी बैक स्ट्रक ओवर के क्षेत्र में दो रन का यहां पर डिमांड है और दो रन यहां पर तेईस कदमों से पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा तालमेल अच्छा कॉम्बिनेशन और उसके कारण मिलते हुए इस वक्त दो रन रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ सात रन इस सात रन के साथ टारगेट की तरफ आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाने की कोशिश जरूर जारी बल्लेबाजी टीम की
इस बार थोड़ा सा शफल हुए थे, बड़ा हिट लगाने की चाहत जरूर जताई थी, लेकिन गेंद रही सुरक्षित डॉट के रूप में। इस डॉट के साथ साथ ओवर की हुई है समाप्ति, और पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की जो रन संख्या है वो है इस वक्त 7 रन। 18 गेंदों में जीत के लिए 16 रनों की जरूरत, 18-16 का ये मुकाबला इस वक्त नजर आता हुआ, मैच अभी भी दोनों ही टीमों के पक्ष में नजर आता हुआ। पालघर धानु इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर है और इनका मुकाबला इस वक्त जारी है मुरबार 11 के साथ। मुरबार की अगर बात करें तो कंप्लीटली टीम यहां पर इस टूर्नामेंट में प्रवेश करती हुई नजर नहीं आई, और बिल्कुल यहां पर पालघर धानु के जो गेंदबाज हैं उनका बोल बाला रहा, उन्होंने 22 रनों पर रोकने में यहां पर कामयाबी जरूर हासिल की, और 23 रनों का एक छोटा सा, विशाल तो नहीं कहा जाएगा, एक छोटा सा टारगेट जरूर देखने मिलता हुआ। नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी की कमान पर, सज्ज होते हुए सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस वक्त बल्लेबाज इलियास। इसी बीच ये गेंद, इलियास रिवर्स स्ट्रोक करने की चाहत है लेकिन यहां पर लेग बिफोर के रूप में पकड़े गए, अंपायर का इशारा यस आउट के रूप में, विकेट का होता हुआ पतंग और इलियास की इनिंग की होती हुई इस वक्त समाप्ति। अरे अंगना में बाबा दुआरे पे मां, अंगना में बाबा दुआरे पे मां, जैसे आए गोरी हम तोरे घर मां, कैसे आए गोरी हम तोरे घर मां। न्यू बैट्समैन आए हैं इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर, नियाज न्यू बैट्समैन के रूप में आए हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जेसन। देखिए 40 प्लस के जो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं उन्हें प्लीज नाम रीड होना चाहिए, मैं ये चीज आपको सूचित करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए यहां पर प्राइज रखा गया है, बाद में अगर आपका नाम नहीं पता होगा तो प्राइज आपके हिस्से में नहीं आएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। फुल टॉस गेंद बनाकर खेलने की चाहत, गेंद जाती हुई इस वक्त थर्ड मैन के क्षेत्र में, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं स्कोर, यस नो बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल, यस फील्डिंग कुछ जिस तरीके से सजाया है उस कारण अंपायर ने नो बॉल घोषित की है। अंपायर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, और हर नो बॉल पर यहां पर फ्री हिट दिया जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक तो स्कोर कम है, ऊपर से खर्चा ज्यादा है, यही कहा जाएगा, अगर आपके अकाउंट में अच्छे खासा अमाउंट हो तो खर्चा करे तो समझ में आता है, लेकिन यहां पर स्कोर कम है, आपके खाते में रन कम है और उसमें खर्चा शॉपिंग के साथ साथ जीएसटी फ्री। रन आगे बढ़ते हुए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर इस वक्त जा पहुंचा है 9 रनों पर, फ्री हिट इस वक्त जारी है। इसी बीच ये गेंद, 1 रन के लिए दौड़ जरूर लगी है, दूसरा रन लेना चाहते हैं, और देखिए 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने, जैसे 2 रन दौड़कर पूरे किए, फ्री हिट बॉल थी इसलिए स्टंप पूरी तरीके से बिखर गया था, लेकिन यहां पर रनों की जो चाहत थी वो पूरी 2 रनों पर हुई है। चलिए टॉस की प्रक्रिया पूरी करनी है, ओवर की समाप्ति के बाद टॉस किया जाएगा, तो भिवंडी कैप्टन आपको यहीं पर उपस्थित रहना है। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, 1 रन जरूर यहां पर पूरा किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर 2 आंकड़ों में कन्वर्ट होता हुआ जा पहुंचा है इस वक्त 12 रनों पर।
स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 12 रन। विकेट की अगर बात करें तो एक विकेट के नुकसान के बाद पालघर धानु की टीम का अगली गेंद लेकर फिर से एक बार सज्ज होंगे। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, बल्लेबाजी की कमान पर जैसन की अगली गेंद पर किया जैसन ने प्रहार, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए फरार। अगली गेंद, इस बार एक और बड़ा हिट लगाने की चाहत और यहां पर फील्डर गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से फील्ड करते हुए 2 रन के लिए दौड़ जरूर लगी है और 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ रनों की रन संख्या जा पहुंची है इस वक्त 18 रनों पर। अगली गेंद, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी समय तक क्या हुआ में फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया, विकेट का होता हुआ पतंग। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भिवंडी कैप्टन, आ चुके हैं भिवंडी कैप्टन, तो उसी तरीके से मकुंद सर सफाले के कैप्टन आइए टॉस के लिए, प्लीज बी फास्ट। मानश्री चिंतारमन पाटिल सर आइए, आपके शुभ बातों से यहां पर हम टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। वीर तानाजी दापोड़े टीम के कैप्टन हैं। यस सर, कैप्टन कूल कहा जाता है इन्हें। एक तरफ टॉस पे आप देख सकते हैं कुंदन पाटिल और एक तरफ वीर तानाजी स्पोर्ट्स कॉल, कुंदन पाटिल सर का कॉल दिया है और आया है यहां पर कुंदन पाटिल। थैंक यू सो मच सर, आपको विराजमान होना है मंच के ऊपर, थैंक यू। तो बिल्कुल आपने टॉस जीता है, पहले क्या करना पसंद करेंगे? गोलंदाजी। टार्गेट किती पर्यंत ठेवणार? 25 से 30। कैसा लग रहा ग्राउंड, यहाँ के ग्राउंड को देखकर, आयोजक को देखकर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? आयोजन बहुत अच्छा है, थोड़ा क्राउड और मांगता था तो मैच खेलने के लिए और मजा आता, लेकिन ग्राउंड एकदम बढ़िया बनाया है, ऑर्गेनाइज अच्छा किया है, हमारे टीम की तरफ से ऑर्गेनाइज को शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा ऑपोजिट टीम को कितने रनों पर रोकने की कोशिश होगी आपकी? 25 या 30। कौन से ऐसे दिग्गज गेंदबाज है जिन पर आपको इतना भरोसा है कि वो 4 ओवरों में इतने कम रनों पर रोके? आसिफ भाई है, संजय पाटिल है, हमारे 2 मेन गोलंदाज है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब भिवंडी के कैप्टन की तरफ चलते हैं, अगर आप टॉस जीतते तो पहले आप क्या करते? आम्ही पण फिल्डिंगच केली असती, पण काही हरकत नाही, पार्ट ऑफ गेम आहे। बॅटिंग आलेली आहे, 45-50 स्कोर करायचा प्रयत्न करूया। बिल्कुल, आप इस ग्राउंड पर परफॉर्मन्स कर चुके हो बहुत, क्योंकि आप यही क्षेत्र की टीम हो, तो इस ग्राउंड के बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि पहले बल्लेबाजी करते हुए आप कितने रन बनाओगे? 45 से 50 बनाने का कोशिश करेंगे। 45 से 50 रन, कौन से ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो रनों की मशीन का काम करेंगे आपकी टीम में? हमारे टीम में समर्थ कड़ू है, एग्नल है, अनिल माने है, बॉबी है, ये सब अच्छे बैटिंग कर सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर आपका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग नज़र आता हुआ। जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, कैसा लग रहा आयोजन और नियोजन? आयोजन नियोजन बहुत ही बढ़िया है, जैसा कि हमारे प्रतिस्पर्धी कैप्टन ने कहा था कि थोड़े क्राउड होता तो और मज़ा आता था, लेकिन सही में बहुत मज़ा आएगा अभी भी मैच खेलने के लिए, सामने वाली टीम भी अच्छी है, ऑल द बेस्ट उनको भी।
बिल्कुल, मेजबान टीम कही जाएगी, सफाले से आई हुई है मेजबान टीम है, उन्होंने ही टॉस जीता है। तो बिल्कुल आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस मैच के लिए। जाने से पहले एक क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा, क्या एक टफ मैच देखने मिलेगा? जरूर जरूर। और सर क्या कहते हैं, एक टफ एनकाउंटर मैच देखने मिलेगा? हाँ, सब गए गुजरे यानी सब 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं यानी पूरा एक्सपीरियंस वाले क्रिकेटर इधर मौजूद है और बहुत यंग टाइम पे सब प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सब साइड पर आके आया है, सब टीम एकदम पैक साइड है, फाइनल तक मजा आएगा एकदम। थैंक यू सो मच सर, आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। दोनों ही टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं नेक्स्ट मैच के लिए। तो टॉस जीता है यहाँ पर सफाले के कैप्टन ने, टॉस जीतने के बाद आमंत्रित किया है अपनी सहयोगी टीम भिवंडी 40 प्लस को के पहले आप बल्लेबाजी करिए। और जरूर देखने वाली बात यह होगी कि आज ओल्ड इज गोल्ड का परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो बिल्कुल टॉस की सूचना ये रही कि सफाले ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है भिवंडी टीम को, भिवंडी 40 प्लस को। तो क्या होगा क्या नहीं देखेंगे जरूर इस मैच को और सुनेंगे इस मैच की कहानी मेरे साथी कॉमेंटेटर जयवंत पाटिल की जुबानी। चलते हैं आपको लिए चलते हैं फिर से एक बार कॉमेंट्री बॉक्स की तरफ, ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। थैंक यू शहजाद भाई शेख। तो पालघर डहाणू या संघाने सामना जिंकलेला आहे आणि सामनावीर आहे सामन्याचा नियाज, ज्याने दोन गडी बाद केले होते। नियाज आपको आगे आना है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए। नियाज भाई, नियाज आइए, मैन ऑफ द मैच आपको चुना गया है। नियाज का मतलब प्रसाद होता है और इन्होंने ऑपोजिट टीम के लिए प्रसाद जरूर उनके हाथों में प्रसाद दे दिया। तो आइए नियाज, मैन ऑफ द मैच आपको चुना गया है, ताबड़तोप आपको मंच के ऊपर आना है नियाज। तर सामनावीर नियाज, सुरुवातीला मी इंद्रपाल पाटील 40 प्लस वीर तानाजी दापोडे संघ उत्कृष्ट क्रिकेटर आहेत आणि वीर तानाजी क्रीडा मंडळाची आकर्षक ट्रॉफी सामनावीरासाठी, त्यानंतर